14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के करीब 44 जवान शहीद हो गए। उरी के बाद हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की चारों ओर कड़ी निंदा की जा रही है और देश की जनता के बीच आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। पुलवामा में हुए इस आतंकी हमले में जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें बॉलीवुड और खेल जगत के सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने शहीद हुए जवानों के सम्मान में एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली को खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन के लिए शनिवार यानी कि आज 16 फरवरी को उनकी फाउंडेशन द्वारा उन्हें इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर से सम्मानित करने का आयोजन किया जाने वाला था, लेकिन विराट ने बड़ा फैसला लेते हुए उस पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया है। अब ये पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। विराट ने लिखा कि दुख के इन पलों में हमने इस इवेंट को रद्द कर दिया है, यह इवेंट आज होना था। इससे पहले शुक्रवार को भी कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर काफी बड़ा झटका लगा है और मैं इस हमले में घायल सैनिकों की जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और जो जवान इस हमले में शहीद हुए हैं मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की कंगारू टीम के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज में वापसी हो गई है। भारत और कंगारू टीम के बीच 24 फरवरी को दो T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।